हेलो बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सर्कल चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स आर गिवन इन द सर्कल सच दैट पी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल ए पी बी दिया है 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी को फाइंड करना है, इसका लेंथ फाइंड करना है ए बी का। इन दिस डायग्राम पी ए इसका टेंजेंट है, तो पी ए 5 सेंटीमीटर है, ये पी बी भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये पी बी भी 5 सेंटीमीटर होगा। बिकॉज एक सर्कल है और यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इन दोनों का लेंथ इक्वल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बी पी भी 5 सेंटीमीटर होगा। नाउ इन ट्रेंगल ए पी बी, पी ए और पी बी इन दोनों का लेंथ इक्वल हो गया, तो इसका अपोजिट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल होगा। बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। एंगल पी 60 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से टोटल एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 60 को ये माइनस कर देंगे, ये हो गया 120 डिग्री। इन दोनों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी, ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री, और ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों का सम 120 है और दोनों एंगल इक्वल है, तो ये 60 60 डिग्री होगा, 60 60 डिग्री होगा। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, और जब तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसका ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज 5 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें ये टेंजेंट है और ये डायमीटर है, और इसमें हमको फाइंड करना है एंगल सी बी डी और एंगल ए 60 डिग्री, दिस इज गिवन। स्टूडेंट एक थ्योरम है, एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, यहां से हम कॉर्ड बनाते हैं, ये एंगल एंगल वन और ये एंगल एंगल टू, ये दोनों एंगल्स इक्वल होता है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, इसको बोलते हैं एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक सर्कल दिया है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस, और ये एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री, हमको फाइंड करना है ये एंगल, मीन्स एंगल बी ए टी को फाइंड करना है। इन ट्रेंगल ए ओ बी ये रेडियस है, तो ये रेडियस है तो ये इक्वल होगा, दोनों रेडियस है, रेडिया ही है, तो ये इक्वल होगा, तो इसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा, और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों का सम होता है 180 डिग्री। ये 100 है तो ये 40 डिग्री होगा और ये 40 डिग्री होगा, तो 40 40 80 और ये 100 180, तो ये 40 डिग्री हो गया। नाउ एंगल ओ ए टी, एंगल ओ ए टी इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा 50 डिग्री, तब तो 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, सो दिस एंगल इज 50 डिग्री, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर में एक सर्कल है, इसमें हम जानते हैं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80,
मीन्स एक्स इक्वल टू हो गया आपका 100 डिग्री, तो एक्स हो गया इसमें 100 डिग्री। सिमिलरली वाई प्लस 95 180 डिग्री, वाई प्लस 95 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95, तो ये हो जाएगा 85 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू 100 डिग्री और वाई इक्वल टू 85 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू 100 डिग्री एंड वाई इक्वल टू 85 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस डायग्राम यहां पर हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। ये टेंजेंट है, टीपी टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट आपको पता है कि 90 डिग्री होता है। तो ये 90 है और ये 25, 90 डिग्री और ये 25 डिग्री। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, इस एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे, ये 9 to 11 115 डिग्री, और ये हम एंगल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 65 डिग्री, बिकॉज इसका सम होगा 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 65 डिग्री। नाउ बाइलिनियर पेयर, बाइलिनियर पेयर एक्स प्लस 65, एक्स प्लस 65 इसका सम होगा 180 डिग्री, एक्स प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 65, तो एक्स इक्वल टू 115 डिग्री, ये एक्स हो जाएगा 115 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस डायग्राम वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल एबीसी। एबीसी का पेरीमीटर फाइंड करना है। एबीसी का पेरीमीटर मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। वी नो दैट एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए एम इक्वल टू ए एन होगा, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली ये बी एम इक्वल टू बी पी, बी एम इक्वल टू बी पी, इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा। सिमिलरली हियर पी सी इक्वल टू सी एन, पी सी इक्वल टू सी एन होगा, और ए एम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है तो ए एन भी 12 सेंटीमीटर होगा, ए एन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी प्लस बी सी को हम ब्रेक कर देंगे बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी प्लस ए सी। नाउ ए बी प्लस और ये बी पी, बी पी यहाँ पर बी एम के इक्वल है तो यहाँ होगा बी एम, और पी सी सी एन के इक्वल है तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी एन, और ए सी को एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम ये हो जाएगा ए बी, सॉरी ए एम प्लस सी एन प्लस ए सी, सी एन प्लस ए सी ये हो जाएगा ए एन, और ये मालूम है कि ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस डायग्राम में हमको फाइंड करना है एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर ये पूरा एंगल फाइंड करना है। यहाँ पर देखेंगे कि ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, इसके बीच में एंगल्स बनेगा 90 डिग्री, बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो ये दिया है 40 डिग्री तो ये रिमेनिंग बचेगा, सॉरी ये 50 डिग्री दिया है तो रिमेनिंग बच जाएगा ये 40 डिग्री, 40 प्लस 50 90 डिग्री। नाउ इन ट्रेंगल ओ क्यू एस, इन दिस ट्रेंगल ये दोनों साइड ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, ये रेडियाई है तो ये
साइड इक्वल हो जाएगा तो इसका एंगल भी इक्वल होगा, इन दोनों का एंगल्स इक्वल होगा, तो ये 40 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, इसके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, इधर दिया है 60 डिग्री तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। और इन दिस ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ओ एस आर ये रेडियाई है तो इक्वल होगा, तो इसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज 30 डिग्री सो दिस इज 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर मतलब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 40 प्लस 30 70 डिग्री, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट 70 डिग्री। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।